संपत्ति के बंटवारे के विवाद को लेकर दो भाइयों में खूनी संघर्ष। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा। एक पक्ष की महिला ने जहरीले पदार्थ का किया सेवन। दोनों पक्ष ने थाना कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा। आजमगढ़ शहर कोतवाली के पांड्या बाजार में पारिवारिक विवाद के चलते बड़े भाई की प्रताड़ना का शिकार छोटे भाई और उसकी पत्नी को होना पड़ रहा है। दो दिन पूर्व घर के बाहर दिन दहाड़े मारपीट कर दंपति को घायल कर दिया गया। पीड़ित दंपति मंजय और उसकी पत्नी सुशीला ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंजय की पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को पीड़ित सुशीला ने क्षुब्ध होकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके चलते उसको मंडलीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सुशीला के अनुसार उसके घर में उसके पति व जेठ तीन भाई हैं। सबसे बड़ा भाई संजय अन्य दोनों भाई को यहाँ नहीं रहने देना चाहता। सुशीला का पति मंजय पहले मुंबई में था, वहीं पर मंजय और सुशीला ने शादी कर ली थी। इसी बहाने को लेकर संजय मंजय को घर में घुसने नहीं देना चाह रहा है। पुलिस भी संजय का ही साथ दे रही है। 13 जून को खुलेआम दिनदहाड़े घर के बाहर मारपीट हुई और उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, लेकिन तब भी पुलिस इसको संज्ञान में नहीं ले रही है। 13 जून को संजय घर से बाहर भगाने के लिए मंजय और उसकी पत्नी को बुरी तरीके से मारा था। वही मामले में मंजय की पैरवी करने पर संजय अपने मंझले भाई राजू से भी विवाद किया था। कोतवाली पुलिस ने मंजय और राजू को बंद कर दिया। संजय को कुछ नहीं बोल रही। वहीं इस मामले में एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र में एक परिवार के दो गुटों के बीच संपत्ति के बंटवारे के विवाद को लेकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके पूर्व भी दोनों में विवाद होने पर 151 की कार्रवाई की गई थी। बाइट विवेक त्रिपाठी। क्या नाम है? सुमित्रा। क्या मामला हुआ है? मामला है घर का, मतलब वो बड़े जेठ हैं घर में रहने के लिए। इनको कह रहे हैं कि तुमको घर में नहीं रहने देंगे हम। तो ये हम लोग चौकी में अप्लीकेशन दे रहे हैं, कोतवाली में अप्लीकेशन दे रहे हैं। हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये जेठ हैं जो सबसे बड़े हैं, वो इनको परसों सुबह 11 बजे सड़क पे लोटार के इनकी भी सुशीला को और उनके आदमी को दोनों को मारे हैं और घर में रहने नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एसडीएम डीएम सबके यहाँ एप्लीकेशन गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या चाहती हैं? क्या चाहते हैं? इसका इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी सुनवाई होनी चाहिए, मौके पे जांच किया जाए कि क्या गलत है क्या सही है। जो लोग मारे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं? उन्हीं का पुलिस कोतवाल भी सुनवाई कर रहा है। कोतवाली में कोतवाल क्या कह रहे हैं? कोतवाल तो इनको कह रहा है कि घर छोड़ के तुम भाग जाओ, क्यों घर में रह रही हो? तीन लड़के हैं तो उनके तीनों का हिस्सा होना चाहिए ना। ये बड़े वाले कह रहे हैं कि इन लोगों को भगाओ, हम खाली रहेंगे। और मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ठीक। सर, कोतवाली थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला को कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं महिला के साथ। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की जा रही है? थाना कोतवाली क्षेत्र में एक परिवार के दो गुटों के बीच में आपस में संपत्ति के बंटवारे के विवाद को लेकर के मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इससे पूर्व भी उनमें विवाद की सूचना मिली थी, इस पर कार्रवाई 151 CRPC के अंतर्गत की गई थी। इस बार भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।